हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो लास्ट क्लास में पॉलीनोमियल स्टार्ट कर दिया था, कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी, पॉलीनोमियल किसको बोलते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, है ना, जो काफी बेसिक चीजें थी। वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्कूल एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, और कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को, और कुछ हम इसमें इस लेवल क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी केवल ओलंपियाड्स में ही इन टॉपिक से आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, देन हम उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है फैक्टर थ्योरम। तो क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, पहले तो देख लीजिए रिमाइंडर थ्योरम यूज कहां करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक्स टू दी पावर 100 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, को अगर हम x माइनस 1 से ले लेते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करें, या आप x प्लस 1 बोल सकते हैं, बस लीनियर होना चाहिए पॉलीनोमियल, ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड करें, x प्लस 1 से डिवाइड करें, या कुछ भी ले सकते हैं, x माइनस 2, x प्लस 2, कंडीशन है लीनियर होना, पॉलीनोमियल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अगर हम इसको इस पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करने जाओगे तो आपका क्वेश्चन 4-5-6 पेज में सॉल्व होगा, हमें इस तरह क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं करना है। तो किससे सॉल्व करेंगे हम, इस तरह क्वेश्चन करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व। अब रिमाइंडर थ्योरम की लिमिटेशन क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम जो होती है वो केवल लीनियर पॉलीनोमियल पे ही काम करती है, लीनियर पॉलीनोमियल मतलब इनकी डिग्री 1 होती है। अब मान लो क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, तो फिर कैसे करेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम से क्या बोलती है कि इफ एनी पॉलीनोमियल px, जहां इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। इफ एनी पॉलीनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस c, यानी x माइनस c कैसे बन जा रहा है कि जो हमारा डिवाइजर होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, देन रिमाइंडर इज PA, देन रिमाइंडर इज PA, तो इसके साथ रिमाइंडर क्या होगा आपका, PA होगा, ठीक है। तो इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि देखो PX आपको कोई भी पॉलीनोमियल मैंने दे दिया, जैसे PX आपको मैंने दे दिया 2x cube minus 3x square plus 4x minus 2, ठीक है। मैंने पूछा बताओ अगर मैं इसको x minus 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। तो रिमाइंडर हमसे क्या बोलती है, इफ एनी पॉलीनोमियल px कोई पॉलीनोमियल होना चाहिए, इस डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, बल्कि बराबर हो तो ग्रेटर इक्वल टू 1 होनी चाहिए डिग्री, है ना, कि कोई भी पॉलीनोमियल px को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूं, ठीक है, x माइनस a से, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, pa आएगा, यानी x की जगह आपको क्या करना है, ये जो px है इसमें x की जगह आपको a पुट कर देना है, a यानी इस केस में, अगर इस केस की बात करें a का मतलब क्या हो गया, a का मतलब हो गया कि आपको 2 पुट कर देना है, है ना। जैसे अगर मान लो x प्लस 2 दे रखा होता, x प्लस 2 ये क्या बोल रहा है, तो हमसे x माइनस a बोल रहा है ना, तो आपको इसको x माइनस a के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे,
एक्स माइनस माइनस टू, ठीक है। तो यहां पर एक जगह क्या लिखोगे आप, माइनस टू लिखोगे। जैसे अभी क्वेश्चन वापस आ जाते हैं कि अगर हमसे हमसे इसने बोला है कि अगर इस पॉलीनोमियल को px से डिवाइड किया जाए, मतलब x माइनस टू से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर हमको हमसे बोलती है कि रिमाइंडर आपका p आएगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं आया कैसे। हमको क्या करना है, रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा pa, ठीक है। अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा pa, यानी आपको क्या करना है, एक अब एक की वैल्यू यहां पर क्या, टू, यानी p एक जगह हम टू पुट कर सकते हैं, बस टू पुट कर दीजिए। तो टू इंटू टू का क्यूब, थ्री इंटू टू का स्क्वायर, प्लस फोर इंटू टू माइनस टू, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व प्लस एट माइनस टू। तो सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर हो गया, 24 माइनस 14 यानी आपका, सॉरी 24 माइनस 14 यानी आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ आया कैसे, ये चीज है ना, ये चीज निकल के कैसे आई, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करना, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमने पढ़ रखा है कि डिविडेंड इक्वल टू इसको हम इक्विलिब्रियम लेवल बोल सकते हो, डिविजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हो। हम बात करते हैं कि अगर रिमाइंडर थ्योरम ये प्रूफ आया कैसे, ठीक है, जो हमको बोल रहा है कि पी एक्स को अगर मैं एक्स माइनस एच डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमारा पी ए होता है, कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो, सभी को डिविजन एल्गोरिथम के बारे में पता होगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम लेमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या बोलते हैं हमसे, ये बोलता है हमसे डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। अब इसको अगर मैं इसमें इसका यूज करूं, ठीक है, तो हम डिवाइड, डिविडेंड हमारा क्या है पी एक्स, डिवाइजर हमारा क्या है एक्स माइनस ई, क्वेश्चन के बारे में नहीं पता हमको, तो हम किसको क्यू एक्स लिख देते हैं, और रिमाइंडर नहीं पता हम उसको आर एक्स लिख देते हैं, ठीक है, रिमाइंडर को हम आर एक्स लिख देते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं x इक्वल टू ए पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू ए, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में x इक्वल टू ए पुट करते हैं तो यहां क्या पे आ जाएगा, ए पी ए आ जाएगा, यहां जाएगा a माइनस ए इंटू क्यू एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा r इंटू ए, मतलब रिमाइंडर जो भी है इसको आप सिंपल चाहे तो रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ए माइनस ए क्या होगा, जीरो हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया आपका, यानी जो रिमाइंडर निकल के आया आपका वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया नहीं, आर इक्वल टू क्या निकल के आया आपके पास, वो निकल के आया पी ए, यही होती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है। अब बात आती है कि इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से क्या बोलती है, देखो फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगी। देखो अगर फैक्टर थ्योरम की बात करें, मैं दोनों को एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम वही फैक्टर थ्योरम है, केवल नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है हमसे, फैक्टर थ्योरम If x minus a is a factor of any polynomial, अब देखो ये भी लीनियर पे ही लगती है, is a factor of any polynomial px, then अब देखो अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, रिमाइंडर देगा ही नहीं, देन आपका पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन पी इक्वल टू हो जाएगा जीरो के, ये हमारी फैक्टर थ्योरम। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम है दोनों की चीज। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, अगर फैक्टर नहीं है तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको पी ए मिलेगा,
और अगर फैक्टर है तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, यानी पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम केवल लैंग्वेज का थोड़ा सा, केवल आपका कहना चाहिए नाम बदला है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बदला है, बाकी दोनों है एक ही चीज। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको? तो क्वेश्चन इस तरह से आप पूछ जा सकते हैं कि इफ इफ एक्स प्लस टू, ठीक है, क्वेश्चन है इफ एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ के एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बताओ के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर x प्लस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो फैक्टर थ्योरम से क्या बोलती है, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स देन p इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो पहले तो उसको x माइनस a के फॉर्म में लिखोगे, तो x माइनस a के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x माइनस माइनस टू, इसको ऐसे लिखेंगे। अब आपको क्या पुट करना है, x की जगह a की जगह क्या पुट कर देना है, माइनस टू पुट कर देना है, मतलब x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, माइनस टू पुट कर दोगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, k इंटू माइनस टू टू दी पावर फोर, ठीक है, टू इंटू माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू माइनस टेन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ये लिख सकते हो ऊपर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम पी ए इक्वल टू जीरो, और ए की जगह यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, माइनस टू लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्सटीन के, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये माइनस का एट इंटू टू माइनस का सिक्सटीन, यहाँ पर फोर इंटू थ्री यानी कि ट्वेल्व, यहाँ पर प्लस का एट और माइनस का टेन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो के। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का हमारे पास हो गया 26, प्लस का हमारे पास 20 है, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 16k माइनस का 26 प्लस का 20 यानी माइनस का 6 मिल जाएगा आपको, यानी 16k इक्वल टू 6 या k इक्वल टू मिलेगा 6 अपॉन 16, दिस इक्वल टू 3 अपॉन 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 अपॉन 8 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जहां पर क्वेश्चन, अब देखो यहां पर तो आप बोल सकते हो सब लॉन्ग डिवीजन लगा सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन आपको बहुत लेंथी हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको हम लॉन्ग डिवीजन सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स टू द पावर 100 प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था, डिवाइडेड बाय किस से, एक्स माइनस वन, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर एक्स जगह क्या पुट कर देना है, एक्स माइनस सी से इसको कंपेयर करो तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए। यहां पर अगर हम इसको एक्स माइनस सी से कंपेयर करें तो इक्वल टू वन होना चाहिए, बस पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, वन टू द पावर 100 प्लस टू इंटू वन माइनस थ्री। ठीक है, तो वन टू द पावर 100 वन ही होगा, प्लस टू माइनस थ्री, ये तो एग्जैक्टली हमें मतलब ये फैक्टर हो गया, तो रिमाइंडर का हमें जीरो मिला। ठीक है, अब देखो, अब मान लो क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, ठीक है, और कोई बड़ा सा पॉलीनोमियल है जिसको हम लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब जो डिवाइजर है हमारा वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, और जो डिविडेंड है उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मान लो 100 के आसपास है, तो उसमें तो फैक्टर थ्योरम फेल हो जाएगी, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब हमारा डिवाइजर क्या हो, लीनियर हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइजर तो आपको क्या मिल गया, डिवाइजर मान लो मिल गया आपको क्या, डिवाइजर आपका क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, तो कैसे करेंगे, तो फैक्टर थ्योरम डायरेक्ट नहीं लगेगी, तो यहाँ पर हम डिवीजन एल्गोरिथम से जाएंगे,
जहां आपको लग रहा है कि हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व नहीं कर सकते। देखो कैसे जाओगे डिवीजन एल्गोरिथम से, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने आपको दिया एक्स टू दी पावर 27 प्लस एक्स टू दी पावर 9 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1, ठीक है, ये ले लिया मैंने। और मान लो मैंने बोला इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, और बताना है रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ पर हमारी रिमाइंडर थ्योरम अब हो जाएगी फेल। क्यों फेल हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम तो लगती है केवल लीनियर पॉलीनोमियल के लिए ट्रू है। आपका डिवाइजर क्या होना चाहिए, केवल लीनियर पॉलीनोमियल होना चाहिए, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है। लेकिन अभी भी देखो रिमाइंडर थ्योरम हमने जो प्रूव की है कहाँ से प्रूव की है, डिवीजन एल्गोरिथम से, तो डिवीजन एल्गोरिथम अभी भी ट्रू है, ठीक है। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं डिविडेंड इक्वल टू एक्स टू दी पावर 27 प्लस एक्स टू दी पावर 9 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1। अच्छा अगर इस तरह क्वेश्चन बोले हम, तो इस तरह क्वेश्चन केवल आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे, स्कूल एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे डिविजनल मतलब सॉरी रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम के, स्कूल एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हम कोई कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं तो आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ हो सकता है डिविजन डिविजन पर सीधे मतलब जो आपकी रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, क्योंकि उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल क्वेश्चन होते, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया है, हमको इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वन से। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। बस इस रूल मतलब ये जो अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, एक कंडीशन है कि जो डिवाइजर है वो आपका फैक्टराइज होने हो जाना चाहिए। अगर डिवाइजर फैक्टराइज नहीं होगा तो हमारे लिए इस क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो आपका डिवाइजर फैक्टराइज होना चाहिए, तो डिवाइजर हमने फैक्टराइज किया तो क्या मिला आपको, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कैसा होगा, यहाँ पर देखो जो डिवाइजर है आपका वो कैसा है, डिवाइजर आपका क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, या तो लीनियर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। रिमाइंडर डिग्री कभी भी डिवाइजर डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर रिमाइंडर मैंने ले लिया क्या, हम मैक्सिमम साइड में क्या, या तो आपका जो डिवाइज आपका जो रिमाइंडर होगा वो या तो लीनियर होगा या फिर आपका कॉन्स्टेंट होगा। तो मैं लीनियर लेके चल रहा हूँ, जो भी निकल के आएगा वो जो भी होगा वो हमारा निकल आएगा। तो मैंने रिमाइंडर ले लिया ए एक्स प्लस बी, लेट इसको हमने मान लिया कि रिमाइंडर हमारा ए एक्स प्लस बी है। क्यों रिमाइंडर मैंने लीनियर लिया है, क्योंकि डिवाइजर हमारा क्वाड्रेटिक है। अगर डिवाइजर हमारा क्यूबिक होता तो हम रिमाइंडर आपका क्वाड्रेटिक लेते, अगर डिवाइजर हमारा बाय क्वाड्रेटिक होता तो रिमाइंडर हम क्यूबिक लेते, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पुट, अब देखो यहां पर दो वेरिएबल हैं ए और बी, ए और बी हमारे वेरिएबल है। अगर ए और बी की वैल्यू पता चल जाए हमको तो हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आपको दो इक्वेशन बनाने हैं, कैसे बनाएंगे, पुट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन इसमें पुट कर दो तो क्या मिलेगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। इस देखो जब एक्स इक्वल टू वन पुट करोगे तो वन माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो हो जाएगा। और यहां पर क्या मिलेगा, वन इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी क्या निकल के आया, ए प्लस बी निकल के आया हमारे पास फोर, ए प्लस बी हमारे पास फोर निकल के आया। तो एक क्वेश्चन मिल गई हमको के प्लस बी की जो वैल्यू होनी चाहिए फोर, लेकिन वेरिएबल तो दो है तो एक और एक क्वेश्चन बनानी है, ठीक है। तो इसको हम वन नाम, इसको वन नाम दे देता हूँ, इसको टू नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप पुट करोगे एक्स इक्वल टू माइनस वन, जिसमें आपका ये पूरा पार्ट, इसमें जो पूरा पार्ट जीरो हो रहा है, तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस का वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। अगेन आप जब एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करो तो माइनस वन प्लस वन ये तो जीरो हो गया, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। और वहां पर क्या मिलेगा आपको, माइनस का ए प्लस का बी, क्यों माइनस का ए मिला, क्योंकि एक्स जगह मैंने क्या पुट किया है, माइनस का वन पुट किया है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, माइनस का ए प्लस का बी, देखो एक वन से एक वन कैंसिल हो गया, माइनस का टू मिला, एक क्वेश्चन बाद थ्री हो गया। अब क्या कीजिए आप, टू और थ्री को आप ऐड कर दीजिए, टू और थ्री को आप ऐड कर दीजिए, तो प्लस का ये है माइनस का ये है कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस का ए प्लस का बी इक्वल टू माइनस का टू मिल रहा है ना,
माइनस वन माइनस वन, तो आपको मिल रहा है माइनस का टू, ठीक है। तो दोनों का ऐड किया तो माइनस का ए प्लस का ए, माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल हो गया, आपको मिला टू बी इक्वल टू टू। तो बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बी इक्वल टू वन निकल के आया। अगर बी इक्वल टू वन निकल के आएगा तो ए इक्वल टू क्या निकल के आना चाहिए, ए इक्वल टू थ्री निकल के आना चाहिए। फिर ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू थ्री होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू थ्री है, बी की वैल्यू वन है, यानी थ्री एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, थ्री एक्स प्लस वन। अगर इसी तरह से मैं आपको क्यूबिक दे दूं, ठीक है, बस कंडीशन है कि जो आपका डिवाइजर है वो फैक्टराइज जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो आप यहाँ पर जैसे मान लो एक्स माइनस वन, ठीक है, जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलता कि अगर मैं इसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो फिर आपको तीन ही क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। जो आप डिवाइजर लेते वो क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका सॉरी डिवाइजर बोल रहा हूँ, ये आपका रिमाइंडर हो जाता, ये डिवाइजर है आपका। अब आपको तीन ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे क्योंकि वेरिएबल आपके कितने होंगे, तीन हो गए, ए बी और सी। आप तीन क्वेश्चन बनाइए, पहली बार एक्स इक्वल टू वन पुट कीजिए, ए के क्वेश्चन मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू फिर माइनस टू सॉरी एक्स इक्वल टू वन पुट किया, फिर एक्स इक्वल टू पुट कर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर एक्स इक्वल थ्री पुट कर दीजिए, तीसरे क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो डायरेक्ट हमारा किस पर है, जो डायरेक्ट हमारा बेस्ड है किस पर, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में है व्हेन व्हेन टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टू इज डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस टू, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय लीव्स रिमाइंडर सेवन एंड जीरो रेस्पेक्टिवली। Find the value of A and B। तो बताओ ये और B की वैल्यू क्या होंगी। अब देखो हमको पता है कि A मान लो कोई पॉलीनोमियल है Px, और इसको अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आएगा Pa, ठीक है। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो आपको x को बिल्कुल फ्री करना है, तो अगर आपको कुछ x का ऑप्शन दिख रहा है तो उसको इससे डिवाइड कर दो, यानी यहाँ A की वैल्यू जो निकल के आई अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3/2, या ऐसा बोल दो कि आपने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर जो A कहलाएगा वो A वाला पार्ट कहलाएगा 3/2। यानी पहली बार आपको क्या करना पड़ेगा, x यहाँ पुट करना पड़ेगा 3/2, और दूसरी बार पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि इसको कैसे लिखोगे, x माइनस ए के फॉर्म में लिखना है, यानी x माइनस माइनस टू, ठीक। तो आपको लिखना है x माइनस ए के फॉर्म में है, बस याद रखना है। तो पहली बार तो आप पुट करेंगे इसमें क्या पुट करेंगे, पी, अगर इसको हम पी एक्स मान लें, लेट इसको मैंने क्या पी एक्स मान लिया, तो पहली बार पुट किया मैंने इसमें 3/2, तो क्या मिलेगा आपको 3/2 होल क्यूब ए 3/2 होल स्क्वायर बी इंटू 3/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो यह आ जाएगा 2×27/8 ए 3/2 का स्क्वायर 9/4, ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। इसको चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो आप, 4 सॉरी इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, रिमाइंडर हमको इसके इसमें 7 मिल रहा है, तो इज इक्वल टू हमें 7 लेना होगा इधर पे, यहाँ पर जहाँ मैंने 0 रख दिया यहाँ पर आपको 7 रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे केस में 0 है तो मैंने गलती से इसको देख लिया, ठीक है, तो हमें 7 रखना है, ठीक है, इससे रिमाइंडर हमें 7 मिल रहा है।
ठीक है, तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, 4 से अगर मल्टीप्लाई करें हम इसको तो ये मिलेगा 27 प्लस 9a, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 6b, ठीक है, अपॉन 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 2, 4 2 को रिड्यूस करेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला पार्ट। यहाँ पर माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 28, 7 4 जा, और सिंप्लीफाई करें इसको तो 27 प्लस का है माइनस का 8 है तो यहाँ से बचेगा आपका 19, और उसको वहाँ ट्रांसपोज कर दो तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू आ जाएगा 9, है ना, 19 बचा, उसको ट्रांसपोज कर दिया, यानी 28 माइनस 19 9। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 में सारे में कॉमन है तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा आपको 3, ये हो गया आपके क्वेश्चन 1। अब जैसे मैंने क्वेश्चन 1 बनाया है वैसे आपको क्वेश्चन 2 बनाना पड़ेगा, दो वेरिएबल हैं ए और बी, उसको फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, ये तो हमारा एक क्वेश्चन बन गया, हम पुट करेंगे x इक्वल टू क्या, माइनस 2। जब x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे तो पुट, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पुट x इक्वल टू माइनस 2 किस में, इस वाले एक्सप्रेशन में, px में। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 2 पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर b इंटू माइनस 2 माइनस 2, इस केस में रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। रिमाइंडर हम क्या बोलती है कि रिमाइंडर आपको पी ए मिलेगा, अब वो तो हमें 0 दे रखा है तो इसको इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो गया 8 माइनस का 8, माइनस का 8 इंटू 2 यानी माइनस का 16, तो माइनस का 16। इधर पे क्या मिलेगा, प्लस का 4a माइनस का 2b माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 4a माइनस का 2b माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। इसको चाहो तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और 18 को आप उधर ले जाइए, 2a माइनस का b इक्वल टू 9, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, दो वेरिएबल है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 2a माइनस बी इक्वल टू 9 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, b से भी कट जाएगा, इक्वल टू मिल जाएगा, ये जो निकल आएगा उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देना। ठीक है, तो इसके आगे आप खुद से कर सकते हैं, सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, तो इसके आगे आप खुद से कर लीजिए। अब आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा फैक्टराइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।